नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। ये करने की क्या जरूरत है, कर दिया हमने। ठीक है, ओके। हाय दीप, मेरा नाम टिडिंग 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 है, मेंशन मत कीजिएगा मेरा नाम। मैं 2 साल पहले से आपके वीडियोस देखती थी। अच्छा, कोई बात नहीं। मेरा दूसरा रिलेशनशिप टूट गया था, उसने किसी और से शादी कर ली। वो मेरे लिए शौक से कम नहीं था, मैं डिप्रेशन में ही थी। उसी वक्त आपकी वीडियोस ने मुझे काफी खुद को संभालने की हिम्मत दी। उसी टाइम मैंने खुद को ही मैनिफेस्ट किया और ये सोचा मुझे जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा। खुद को इतना स्ट्रांग बनाया कि मुझे उसकी जरूरत ही नहीं लगी। शादी के बाद उसने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, पर मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी और दोबारा किसी भी तरीके का कांटेक्ट करने से मैंने मना कर दिया। उसके बाद मेरी लाइफ में मेरे सीनियर्स के दोस्त से कांटेक्ट हुआ किसी काम की वजह से, और हम काम की ही बातें करते करते एक दूसरे से प्यार कर बैठे। पर वो भी धोखा खा चुके थे और मैं भी, तो डर लगता था। हमारे दोनों के घरों को हमारे एक्स अफेयर्स के बारे में पता था, राजी होंगे या नहीं होंगे गारंटी नहीं थी। पर मेरे दिल से आवाज आई यही कि मुझे वैसे साइन भी मिल रहे थे कई बार। उसके बाद आपको मैंने अनफॉलो किया और खुद से प्रॉमिस किया कि जब तक शादी ना हो जाए आप से फिर से बात करूंगी। और मेरी शादी हो गई है अब कुछ दिनों में ही। सब कुछ बहुत खुश थे, मेरी और उनकी फैमिली भी। मुझे ससुराल घर जैसा ही मिला है। मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है, जिससे प्यार करते हो उसको मैनिफेस्ट मत करो, खुद को करो, खुद के लिए अच्छा सोचो। जिसको जाना है वो 1000 बहाने करके चला ही जाएगा, और जिसको नहीं जाना है वो 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी तैयार रहेगा। बस आपका साथ मांगेगा, तो किसके लिए रोना है, नहीं खुद के लिए भी नहीं। हमें आंख कान हाथ पांव सुनने और समझने की शक्ति मिली है, यही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए ना जाने कितने लोग तरसते हैं, और हम इस आशीर्वाद को छोड़कर लायक नहीं है इंसान के लिए वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमेशा खुद को मैत्री दो, तुम्हारा भी मंगल होगा जैसे मेरा हुआ। थैंक यू सो 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 मच, आई लव यू सो मच। ओके, तो इसके अंदर अनफॉलो फॉलो करने की कहानी भी आ गई। अच्छा ना, कोई बात नहीं, फॉलो करो अनफॉलो करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होना चाहिए, आपकी जिंदगी में आप मस्त होने चाहिए। बस मैं यही सोच करके आई थी यूट्यूब पर, और यही सोच करके मैं हूं यहाँ पर। मुझे उस चीज से सच्ची में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ बदली ना, आपने खुद को मैनिफेस्ट किया ना, आपने लाइफ में बेस्ट हस्बैंड मैनिफेस्ट किया ना, आपने अपनी लाइफ में बेस्ट ससुराल मैनिफेस्ट किया ना, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। आई एम हैप्पी। ठीक है, ओके। तो इनकी कहानी के अंदर सेल्फ लव है, सीधा सीधा खरा खरा सेल्फ लव। जिस बंदे ने किसी और से जाकर की शादी कर ली, आपके लिए इतना भी स्टैंड नहीं लिया। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो बंदा आपके लिए स्टैंड नहीं लेता, जो बंदी आपके लिए स्टैंड नहीं लेती, वो अगर आज नहीं ले रही तो कल लाइफ में आपको बहुत सारे स्टैंड की जरूरत पड़ने वाली है। शादी अगर मैनिफेस्ट कर भी लोगे तो क्या हर स्टैंड के लिए उस स्टैंड को मैनिफेस्ट करते बैठोगे? ध्यान से सोच समझ करके अपने पार्टनर के अंदर अगर कुछ चेंजेस या चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो आप थोड़ा समय लेकर के और वो प्रॉपर ध्यान देते हुए कि आपको करना भी है या नहीं करना है, या अननेसेसरी आप ऐसी जगह पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। सारी चीजों को देखते हुए समझते हुए अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी चीजों को, अपनी खुद की आदतों को, अपनी हैबिट्स को, आपने कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो करके कुछ चीजें तो नहीं कर दिया, वो सारी चीजों को देखते हुए एंड देन फिर डिसाइड करो कि व्हाट यू एक्चुअली वांट। जब हम बहुत बड़े लेवल पे पिक्चर देखते हैं ना तो हमें समझ में आता है एक्चुअली हम क्या चाहते हैं। पिक्चर वो वाली पिक्चर में आपकी लाइफ की पिक्चर, तब आपको समझ में आता है, आप अपना फ्यूचर तक देख पाते हो अपने प्रेजेंट के जरिए। लेकिन आप प्रेजेंट में ही एक ऐसे बंदे या ऐसी बंदी के पीछे लगे हुए हो जो आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले रहा। आज छोटी सी बात है, मम्मी पापा को जाकर के बोलना नहीं कर रही भाई, मैं किसी और से शादी नहीं कर रहा भाई, मैं किसी और से शादी पूरी जिंदगी रहूंगा कुमारा कुमारी, क्योंकि किसी और को मैंने कमिटमेंट दे दी थी और ये भी मेरे संस्कार ही दर्शा रहा है।
अगर मैंने अब इस मौके पे उस इंसान को बोला कि नो मैं नहीं कर सकता, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, चाचा नहीं मान रहा, ताऊ नहीं मान रहा, संसार नहीं मान रहा, सोसाइटी नहीं मान रही, कुंडली नहीं मिल रही, टैं हो गई, तो यहाँ तो आपके संस्कार भी आ गए ना कि आपने मुझे ये सिखाया है कोई भी चलता हुआ रिश्ता बीच में तोड़ देना भैया तुम्हारे अगर संस्कार आ गए तो। देखा जैकी ने भी बीच में बोला हाँ, ठीक है। सो सोच समझ करके भैया आपको अपने जीवन को देखना है, उस बंदे या बंदी के साथ आपकी पूरी लाइफ को, उस पिक्चर को देखना है, तो पहले से ही देख लो कि क्या है, क्योंकि जो क्वालिटीज हैं स्टैंड ना लेने की भी बढ़िया वाली क्वालिटी ही है, नेगेटिव वे में ही सही क्यों ना हो, तो वो वही क्वालिटी के साथ ही आएगा। और आगे जब आपको रियल में स्टैंड की जरूरत पड़ेगी, कल को की शादी होगी, ससुराल में आपको स्टैंड लेने की जरूरत होगी, बच्चों के टाइम पे आपको स्टैंड लेने की जरूरत होगी, लाइफ यही खत्म नहीं हो जाती कि मेरे बॉयफ्रेंड से शादी हो जाए, गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, फिर क्या करोगे? तो वो सारी चीजें सोच समझ के, एंड देन जब आप पूरे बड़े वाले कैनवस पर देख लो अपने पिक्चर, देन डिसाइड करो कि व्हाट यू एक्चुअली वांट। ठीक है, अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि पर अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।